न्यायालय के समक्ष वादी पक्ष की तरफ से 78 गैर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था, उस पर माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया। उस आदेश के अनुपालन में उस स्थल को सील कर दिया गया तत्काल प्रभाव से, किंतु बाद में ये समझ में आया कि इसमें दो तीन पहलू हैं, बिंदु हैं, जिस पर विचार किया जाना जरूरी था। उस संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें तीन बिंदु उठाए गए हैं। एक तो जो मछलियाँ हैं वो मर न जाए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए। दूसरा बिंदु जो था वजू करने के लिए कि एक अलग से जो है उसके लिए कुछ किया जा सकता है, आदेश तो उसको कर दें। और तीसरा बिंदु ये शौचालय से का प्रकरण है कि सील वाले एरिया में उनका शौचालय है। इस तीन बिंदु पर प्रार्थना पत्र था, जिस पर वादी पक्ष ने भी अपनी प्रबल आपत्ति दाखिल की मौखिक, लेकिन मछलियों के जीवन के संदर्भ में उन्होंने सहमति जताई। बाकी दो बिंदु पर उन्होंने अपना असहमति जताया। लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा। हाँ, प्रतिवादी नंबर 4 अंजुमन इंतजामिया की तरफ से उस पर घोर आपत्ति दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि इस पर मैं लिखित आपत्ति दाखिल करूँगा। हमने किसी के पक्ष की बात नहीं कहा। सील करने के बाद दौरान जो बातें समझ में आई जिला प्रशासन को, उस चीज़ को मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर रखा गया है। तो अगर उनकी तरफ से लिखित आपत्ति जाती है तो क्या काउंटर देंगे इसका? अगर सकारात्मक उनका आपत्ति होगा तो जरूरत नहीं पर समझ में आएगी, और अगर ऐसा कुछ ब्लेम होगा या ऐसा कुछ आपत्ति होगा जिसके प्रति आपत्ति किया जाना अग्रेतर भविष्य के लिए श्रेयस्कर होगा तो निस्संदेह आपत्ति की जाएगी। सर,